गाइस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम को फाइनलाइज करते हुए आज की ये वीडियो है अंतिम वीडियो। गाइस इस वीडियो को आप देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूनेस, विषमता निकालना सिखा रहा हूँ। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट इस वीडियो को देख करके आज आप अपना एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचा लीजिए। तो फटाफट मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50। ऐसे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन तो जल्दी से आता नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं 2, 6, 12, 16, 20। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी जब भी होगी ना तो वो एक साथ बढ़ती रहेगी ना ही घटती रहेगी, यानी ये क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। आपको क्लास इंटरवल सही से बनानी पड़ेंगी। तो सही से क्लास इंटरवल आप बनाएंगे, सबसे पहले 0 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिए 2, फिर आप 10 to 20 लिखें। तो ये समझने वाली बात है क्या, 0 to 10 2 है और 0 to 20 6 है, तो 10 to 20 कितने हो गए, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 20 to 30 ऐसे ही घटाते चले जाइए, 30 to 40, 40 to 50 और लास्ट में जो आएंगे इनका आप टोटल करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए, n इक्वल टू 20 आना चाहिए। ये आ गया स्क्यूनेस का फॉर्मूला। अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत होगी, इसलिए स्क्यूनेस का फॉर्मूला आप जान लीजिए। स्क्यूनेस का फॉर्मूला था j इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस टी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो फटाफट कैलकुलेट करेंगे। एस डी के लिए सबसे पहले हम एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, एक्स निकालते हैं अब हम। एक्स कैसे निकलते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट का हाफ करके, और 10 10 इसमें ऐड होते जा रहे हैं, 10 10 ऐड करते चले जाइए। शॉर्टकट मेथड का यूज ना करते हुए हम डायरेक्ट एफ इंटू एक्स कर लेंगे। आप इनको ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 540/20, ये आ गया आपका 27। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एसडी का साइन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले का बहुत विशेष योगदान है, आपको सब सही से रखना है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो डी एक्स लाना है हमें, डी एक्स कैसे आएंगे, तो डी एक्स के लिए देखिए क्या करें, किसी एक को ये मान लीजिए डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, ठीक है। ये आ गए, अब आपको क्या करना है, एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स, या फिर आप सबसे पहले डी स्क्वायर एक्स कर लीजिए। 20 का स्क्वायर होगा 400, ये 10, 10 का हो गया 100, फिर 100, ये 400। अब एफ इंटू डी एक्स कर लीजिए, एफ इंटू डी एक्स करेंगे 2 की मल्टीप्लाई डी एक्स करें माइनस का 40, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 40, 6 की 0 से करेंगे 0, 4 की 10 से करेंगे 40, 4 की 20 से करेंगे 80। ठीक है, तो ये आ गया कितना, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया आपका 40। यहाँ पे करेंगे हम फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, एफ डी स्क्वायर एक्स यानी 400 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800,
100 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 6 की 0 से करेंगे 0, ठीक है, 4 की 100 से करेंगे 400 और 400 की 4 से करेंगे 1600। भी आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया 3200। ओके, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, एम स्क्वायर एक्स अपॉन एन, एन हो गया आपका 20, माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी 40 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, 0 से 0 क्रॉस, माइनस 4, 156, और 156 किसका स्क्वायर रूट होगा, या आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं 156 जो है किसके स्क्वायर के रूट के पास है, तो ये 13 के स्क्वायर रूट के पास है, 13 से कम ही होगा, 12.5 अप्रोक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इसके बाद हमारा क्या काम होगा, हमारा काम है जे इक्वल टू होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन एफ डी, हमने एक्स बार निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया, हमें जेड निकालना है, यानी कि मोड मोड निकालिए, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ ओ अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू आई, ये है इसका फॉर्मूला। और ये कैसे अल्टरनेट मेथड का यूज़ करते हैं, चलिए एफ में, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट तीन फ्रिक्वेंसी लेते हैं जिसमें बीच वाली एफ वन ऊपर की एफ ओ नीचे की एफ टू, ये कर लेंगे, ठीक है। और ये एफ वन के सामने वाला हो गया मोड ग्रुप, लिखेंगे हम हाईएस्ट थ्री फ्रीक्वेंसी, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, जब तीन लगातार फ्रीक्वेंसी आई हैं, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 4 6 4, ठीक। तो ये हो गया एफ वन, ये हो गया एफ ओ, ये हो गया एफ टू, मोड ग्रुप हो गया आपका 20 to 30, ठीक है। तो ये एल वन हो गया आपका, फॉर्मूला लगाइए जेड में, एल वन यानी कि 20, आई एल वन प्लस आई एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ ओ, एफ वन यानी कि 6 माइनस एफ ओ अपॉन टू इंटू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू आई, आई इनका क्या डिफरेंस, 20 प्लस 6 में से 4 गया 2, 12 माइनस 8 इंटू 10, 20 प्लस 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10, 2 2 2 2 2 4 2 5 10, 20 प्लस 5 से 25 आ गया आपका मोड। जे यानी कि स्क्वीनेस का फॉर्मूला लगाइए, एक्स बार कितना था आपका 27 माइनस जेड यानी 25 अपॉन एच डी कितना आया 12.5, या ये 2 अपॉन 12.5, और इसे डिवाइड कर दीजिए आप 2 अपॉन 12.5 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे वन टाइम, ये पॉइंट हटा लीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम, ये आ गया आपका 0.16 अप्रोक्स, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये था आपके लिए बहुत शॉर्टकट वे में स्क्यूनेस का कैलकुलेशन, आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, कल के दिन को हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप इसकी आज ही तैयारी कर लें और जल्दी से अपना तैयारी करके माइंड अप करें। थैंक यू सो मच।